I need feeling like you want me, and I guess. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ इमरान। आज मेरे पास है वीवो का एक नया सा फ़ोन लॉन्च किया है, वीवो S1। एस मीन्स स्टाइलिश, साथ ही साथ बहुत ही खास डिवाइस है एंड स्टाइलिश डिवाइस है। तो इस फ़ोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देख सकते हो पीछे वीवो S1, साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन और साथ ही साथ 4500 mAh का बैटरी, 18W डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन। और फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस क्या है और बाकी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको कुछ इस तरह से रेड बटन दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, कुछ इस तरह से बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इस रैपर को हटाते हैं और बाद में इस फ़ोन के लुक्स देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे एक केस कवर के साथ कुछ वीवो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, क्विक गाइड और बाकी कुछ इस तरह प्रोटेक्ट के साथ आता है फ़ोन। और फ़ोन को हम देखेंगे, इस फ़ोन में दो कलर अवेलेबल रहता है, स्काई एंड ब्लू, साथ ही साथ डायमंड वाइट कलर में भी अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो अडोप्टर, 18W फास्ट चार्जिंग अडोप्टर है, साथ ही साथ माइक्रो USB केबल, एक प्यारा सा यहाँ पे हेडफोन भी साथ में दे दिया गया है वीवो S1 में। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये रहा फ़ोन। और इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से निकालते हैं फ़ोन को और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्काई एंड ब्लू कलर में काफ़ी खूबसूरत सा डिवाइस लग रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले इस फ़ोन को हम बूट करते हैं। अगर बात करें वीवो S1 की फिज़िकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा यानी स्टाइलिश सा डिवाइस है डेफिनेटली। और यहाँ पे पीछे की तरफ हमें वीवो का ब्रांडिंग NAI ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में LED फ्लैश और पीछे कुछ भी नहीं है। और ये जो स्काई एंड ब्लू कलर है मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर साइड से देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर एंड यहाँ पर पावर बटन दे दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो स्पीकर ग्रिल और बीच में यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट, एक माइक एंड 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और यहाँ पे एक बटन मिलता है गूगल असिस्टेंट बटन एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है। और ये जो सिम ट्रे है ये 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। हम सबसे पहले यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं सेटिंग्स को। अगर बात करें वीवो S1 के रैम एंड रोम को लेकर, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, साथ ही साथ 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 3 वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ तीनों ही वेरियंट का जो हमें प्राइस है वो डिफ्रेंसेस है मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से। और यहाँ पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैन और साथ ही साथ फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। और इस फ़ोन का जो 4GB एंड 128GB वेरिएंट है जिसका प्राइस है 18,000 एंड आपको 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज और एक वेरिएंट मिल जाता है जिसका प्राइस है 19,000 एंड 6GB रैम 128GB वेरिएंट तीसरा वेरिएंट हमें मिलता है और जिसका प्राइस है 20,000। फिलहाल 4GB रैम 128GB स्टोरेज या फिर 6GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। और यहाँ पे देख सकते हो हमने सेटअप कर लिया है। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेके। इस फोन का जो डिस्प्ले है वो 6.38 इंचेस का यहाँ पे फुल HD+ स्क्रीन मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, यानी इस फोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है। ग्राफिक्स हो या बाकी परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले के साथ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। गेमिंग हो या फिर वीडियोज़ में आपको बहुत ही अच्छा क्लियरिटी एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा डिस्प्ले के मामले में। अगर आपको वीवो के डिवाइसेस में 18,000 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में यहाँ पे डिस्प्ले मिल रहा है, साथ ही साथ वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्क्रीन है वीवो S1 में। अगर बात करें वीवो S1 की बैटरी परफॉर्मेंस के लगे, तो यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 18W डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है ये फ़ोन। और डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा 4500 mAh का काफ़ी अच्छा बैटरी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 9 मिलता है, साथ ही साथ फनटच OS 9 भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड फनटच OS है वही हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। इसमें 4GB रैम, 128GB मेरे पास वेरियंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर जो हमें चिपसेट मिल रहा है मीडिया टेक Helio P65 का, एक नया सा प्रोसेसर है इसी फ़ोन में पहली बार
बार यूज़ किया गया है इंडिया में। जी हाँ, वीवो एस वन में मीडियाटेक हीलियो P65 पहली बार यूज़ किया गया है। तो वीवो एस वन में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, गेमिंग हो या बाकी परफॉर्मेंस के मामले में। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ पे गेमिंग के लिए अल्ट्रा गेम मोड का भी इस्तेमाल किया गया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में। अगर बात करें इस फ़ोन की कैमराज को लेके, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये रहा फ़ोटोज़ और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन प्रोवाइड करता है फ़ोटो। अगर बात करें इस फ़ोन के रियर कैमरा को लेके, तो यहाँ पे 16+8+2 MP का 3 कैमराज पीछे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा 16 MP का मेन कैमरा, साथ ही साथ बोके इफेक्ट के लिए यहाँ पे 2 MP का एंड अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे आपको 8 MP का कैमरा दिया गया है। यानी पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा और तीनों ही कैमरा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैं आप लोगों के साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ। जो 16 MP का मेन कैमरा है उसमें अपर्चर F1.78 के साथ आता है, अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए 8 MP का कैमरा में F2.2 एंड जो हमें बोके इफेक्ट के लिए कैमरा दिया गया है 2 MP का, उसमें आपको अपर्चर F2.4 देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस फ़ोन की सेल्फी को लेके, तो यहाँ पे हमें जो सेल्फी कैमरा है वो 32 MP का सेल्फी कैमरा है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, 32 MP का सेल्फी कैमरा, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही फास्ट है, यहाँ पे विदिन 0.48 सेकेंड में फ़ोन अनलॉक हो रहा है, तो डेफिनेटली फ़ोन का जो परफॉर्मेंस रहेगा फेस हो या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश का भी इस्तेमाल किया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में, तो डेफिनेटली क्वालिटी यहाँ पे इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है। तो यही है वीवो एस वन, सा डिवाइस मिलता है 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, वही वाटर ड्रॉप स्क्रीन, पीछे हमें 3 कैमराज देखने को मिलेगा 16+8+2 MP 32 MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, 4500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी है, 18W डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, वही इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो P65 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2 GHz का, एंड्रॉइड 9 भी मिल जाता है और फंटा चॉइस 9 भी देखने को मिल जाता है। तो इस फ़ोन के बारे में कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो नीचे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। इस फ़ोन का जो 3 वेरियंट हमें देखने को मिलता है, 4GB RAM 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 18,000 या फिर 6GB RAM 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 19,000 और या फिर 6GB RAM 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 20,000। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।